कि बिहार में और यूपी में जाति के नाम पर राजनीति होती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। यूपी और बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, वहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत पहले आ गई। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए, यूपी में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, मुलायम सिंह बन गए, वहाँ दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकारें बनने लगी झारखंड में। तो ये टीवी अखबार के जो तमाम पत्रकार ये कहते हैं आपको कि तो जातिवादी राज है, जबकि ये कलम युग है। पहले जो रामचरित्र जो संस्कृत में श्लोक देता था उसको ज्ञानी माना जाता था, अब जो आर्टिफिशियल साइंस की बात करता है, जो कंप्यूटर साइंस की बात करता है, मैथमेटिक्स फिजिक्स की बात करता है, उसको ज्ञानी मानते हैं। तो कौन युग बढ़िया है? ये सब दिमाग से हटाइए। अभी 12% रिप्रेजेंटेशन है SC ST OBC का डिजिटल मीडिया में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया जो है वो पहले से ज्यादा मतलब अब स्वतंत्र, बिल्कुल अब स्वतंत्र हुई है, अब लोग सवाल करने लगे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो विपक्ष के मुद्दों को उठाती ही नहीं है, अगर उठाती है तो उस पे जो है वो छापे मरवाए जाते हैं, जितने भी मीडिया के लोग, आप सोचिए लालू यादव की सरकार आ जाए, मायावती की सरकार आ जाए, यही मीडिया हद के मतलब इतना ईमानदार आपको दिखेगी जिसकी कोई जवाब नहीं है। ये मीडिया ये इस देश में चपरासी से लेकर चीफ, सोचिए जो लोग आपको पानी पीने नहीं देना चाहते, जो लोग आपको मंदिर नहीं जाने देना चाहते थे, वो आपको संसद जाने देंगे, मंत्री सीएम बनने देंगे, क्योंकि जो पत्रकार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज जिन्होंने उठाई, या तो उन्हें पत्रकारिता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर चैनल को खरीद लिया गया। और इस देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता की गरिमा को जीवित रखने में काम कर रहे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, और उन्हीं में से एक हैं शंभू सिंह। बहुजनों की आवाज को उठाने में हमेशा वो तत्पर खड़े नजर आते हैं। आज उनसे हमारी मुलाकात हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप मुख्य धारा की जो मीडिया है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, और जो ये सोशल मीडिया है, जो तथाकथित सोशल मीडिया जिसको अभी सरकार कभी भी चाह ले तो उसको उठा करके जेल में डाल देगी और उसके लिए शायद कोई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, इन दोनों के बीच में आप किसे बेहतर समझ रहे हैं और क्या है इन दोनों के बीच? देखिए, पहले तो आपने जो इंट्रो दिया ना वो फैक्ट पर आधारित नहीं, आप इमोशनल हो रहे हैं। भारत में जब आप पूरा मीडिया का इतिहास देखेंगे तो आज के डेट में मीडिया ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा वर्सटाइल और ज़्यादा डाइवर्सिटी है। 100 साल पहले बाबा साहब ने मुकनायक शुरू किया था। मीडिया आपकी कौन सी मीडिया की बात कर रहे? सब मीडिया की बात कर रहे, मीडिया या फिर मुख्य धारा की? सब मीडिया, सब मीडिया। आप तब जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाइए और उस समय के इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी सबके समय का अखबार देखिए। तो फैक्ट पर बात कर रहा हूँ मैं, लाइटिंग। अच्छा, ठीक है जी, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूँ, आप इमोशनल हो रहे हैं। ये सब जो आप बता रहे हैं ना, पुन पर्सन वाजपेयी, रवीश कुमार, इन लोगों ने बहुत नरक बोया है इस देश में। ये सब लोग एक जाति विशेष के पत्रकार हैं। आपको लग रहा है ना, ये आपने रवीश कुमार का कोई शो देखा है रिजर्वेशन के पक्ष में? पुन पर्सन वाजपेयी का देखा है कोई रिजर्वेशन के पक्ष में? SC ST OBC इस देश में 90% आबादी है। ये हिंदू मुस्लिम, ये जो आपको लग रहा है ना कि ये प्रो दलित है, प्रो मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। दरअसल ये ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है। इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं करता है वो पत्रकार ही नहीं है। कोई बीजेपी का पक्ष हो सकता है, कोई कांग्रेस का पक्ष हो सकता है, लेकिन SC ST OBC के पक्ष में कोई नहीं है। अब उनका पक्ष भी हम लोग रख रहे हैं। इस देश में जब कांग्रेस थी और जब अंग्रेज थे तो बाबा साहब पत्रकारों को कहते थे कांग्रेसी पत्रकार या जिन्ना के पत्रकार। उस समय भी जिन्ना की खबरें छपती थी या कांग्रेस की, डॉक्टर अम्बेडकर की खबरें नहीं छपती थी। इसलिए साहू जी महाराज की मदद से उन्होंने अपना अखबार शुरू किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चूंकि काम करना शुरू किया जी, इस देश में सब परसेप्शन फैलाया जा रहा है। जैसे परसेप्शन है ना कि बिहार में और यूपी में जाति के नाम पर राजनीति होती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। यूपी और बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, वहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत पहले आ गई। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए, यूपी में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, मुलायम सिंह बन गए, वहाँ दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकारें बनने लगी झारखंड में। तो ये टीवी अखबार के जो तमाम पत्रकार ये कहते हैं आपको कि तो जातिवादी राज है, जबकि उन राज्यों में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। जैसे तुलसीदास ने अपनी जाति नहीं बताई, लेकिन रामचरित में क्या लिखा उन्होंने, खाली ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ। कबीर रैदास ने अपनी जाति बताई, लेकिन उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लिखा। तो इसको समझिए इस बात को,
लोग कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण हो गया, कब से कहने लगे, 1990 से जब लालू यादव राजनीति में आए, दलित पिछड़ा आदिवासी राजनीति में आया, उससे पहले बड़ा अच्छा था। अच्छा एक बताइए, अभी लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई बड़ा खराब हो गया है, सरकारी स्कूल खराब हो गया, शिक्षा वो ध्वस्त हो गई है, क्यों कहते हैं? क्योंकि दलित पिछड़ा स्कूल में आ गया, जब तक ये मजा मार रहे थे, मलाई खा रहे थे, तब तक बहुत बढ़िया था। अभी विज्ञान आया है ना, मोबाइल पहले था कि अब था, टेक्नोलॉजी अब आया कि पहले था? ये मानवीय इतिहास जब आप अध्ययन करेंगे ना, तो और हम बेहतर हुए हैं। अब ये कलयुग नहीं है, कलयुग कौन कहता है, ये कलम युग है। पहले जो रामचरित्र, जो संस्कृत में श्लोक देता था उसको ज्ञानी माना जाता था, अब जो आर्टिफिशियल साइंस की बात करता है, जो कंप्यूटर साइंस की बात करता है, मैथमेटिक्स फिजिक्स की बात करता है, उसको ज्ञानी मानते हैं। तो कौन युग बढ़िया है, ये सब दिमाग से हटाइए। अभी 12% रिप्रेजेंटेशन है एस सी एस टी ओ बी सी का डिजिटल मीडिया में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया जो है वो पहले से ज्यादा, मतलब अब स्वतंत्र, बिल्कुल अब स्वतंत्र हुई है, अब लोग सवाल करने लगे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो विपक्ष के मुद्दों को उठाती ही नहीं है, अगर उठाती है तो उस पे जो है वो छापे मरवाए जाते हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, अभी हाल ही की यदि हम बात करें एनडीटीवी पर की, नहीं, आप मेरी बात, देखिए आप कांग्रेस जाना चाहूंगा, नहीं, आप कांग्रेस बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बहुजन के बारे में बात कर रहा हूं, जो आपने मुझे संबोधित किया जी। इस देश में एस सी एस टी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन अब बढ़ा है मीडिया में, कांग्रेस की और बीजेपी की तो मीडिया थी पहले, मीडिया कांग्रेस की थी जी, जब तक बीजेपी नहीं आई थी। अब उसको हार्ड कोर सवर्ण और हार्ड कोर हिंदुवादी पार्टी मिल गई, तो उसने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। मीडिया एस सी एस टी ओबीसी की कभी नहीं थी, चाहे आप एस सी एस टी, चाहे देखिए मुसलमान में भी ओबीसी। मतलब आप ये सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि जो मीडिया है, जो मुख्य धारा की मीडिया है, हाँ, वो शुरू से लेकर आज तक कभी ना कभी पार्टी विशेष की रही। हाँ, आप सोचिए लालू यादव की सरकार आ जाए, मायावती की सरकार आ जाए, यही मीडिया हद के मतलब इतना ईमानदार आपको दिखेगी जिसकी कोई जवाब नहीं है। ये मीडिया ये इस देश में चपरासी से लेकर, सोचिए जो लोग आपको पानी पीने नहीं देना चाहते, जो लोग आपको मंदिर नहीं जाने देना चाहते थे, वो आपको संसद जाने देंगे, मंत्री सीएम बनने देंगे। इस देश की मीडिया कभी किसी पार्टी विशेष की नहीं रही है, जातिवादी मीडिया है। और आपकी लड़ाई जो है वो जातिवादी के जातिवाद के खिलाफ है। इस देश में उन राज्यों में जाइए जहां कांग्रेस बीजेपी है, वहां जाति की चर्चा ही नहीं है, उस समझ नहीं दिया गया। हमारी लड़ाई इस देश के 90% लोगों के रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। जब आपने इस प्रकार की लड़ाई का आगाज किया, मैं और तो, कुछ बातें बताएं, जैसे बुद्ध दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी हुआ जी, 2500 साल पहले उतना ज्ञानी कोई हुआ नहीं, बुद्ध से बुद्धू बना दिया गया। ये सब कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझिए। आपको क्या बनाने की तैयारी की जा रही है? नहीं, मुझे क्या बना देंगे, हम लोग तो बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, बाबा साहेब के अनुयायी हैं, फुले परिहार अंबेडकर पढ़िए आप, क्योंकि जब आप इस प्रकार की बातें करते हैं आपके ऊपर भी कोई शिकंजा कसने की तैयारी कहीं चल रही होगी। कोई बात नहीं है, शिकंजा कर तो चलता रहेगा, ये तो हक अधिकार की लड़ाई है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, जगदेव बाबू ने, फूले परिहार अंबेडकर, कबीर, रविदास, तथागत बुद्ध से के दौर से लड़ाई चल रही है। लालू यादव लड़ रहे हैं, मायावती जी लड़ रही हैं, मान्यवर साहब लड़ रहे थे, बाबा साहब लड़ रहे थे, संत गाडगे लड़ रहे थे, अंकली लड़ रहे थे। तो ये तो हमारा तो इतिहास, रामस्वरूप वर्मा लड़ रहे थे, सोनीलाल पटेल लड़ रहे थे। आपकी लड़ाई ओबीसी के साथ है? ओबीसी नहीं, इस देश के शोषित वंचित के साथ है, गरीब के साथ है, जिनको स्कूल नहीं जाने दिया गया जाति के नाम पर। इस देश में आप अच्छा बताइए, हिंदू शब्द कब आया? 1818 तक हिंदू शब्द नहीं था। जो लोग जाति के नाम पर मजे ले रहे थे मुगलों के दौर में, अंग्रेजों के दौर में, जब उन्होंने देखा कि देश आज़ाद होगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी, तब तो हिंदू शब्द आ गया। हिंदू का कहाँ इस्तेमाल होता है? दंगा के लिए और वोट के लिए। बाकी आपका अधिकार कैसे मिलता है? संविधान में आपका अधिकार कहाँ सुरक्षित है? आप मुस्लिम हैं तो भी संविधान आप... की बात कर रहे हैं, इस संविधान में आप मुस्लिम हैं, पत्रकार अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करे या न करे? पत्रकार है, इसका मतलब क्या आप किसी को गाली दीजिएगा, आप कॉन्स्पिरेसी कीजिएगा? मतलब पत्रकार को उतना ही हक है जितना आम नागरिक को हक है, कोई होली का हो है क्या हो? इस देश का सब आदमी संविधान के हिसाब से बराबर है। आप असंवैधानिक काम कीजिएगा, इस देश का मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा असंवैधानिक काम करता है, ये सब जातिवादियों का गिरोह है, अड्डा है। उसी के लिए ये संविधान जो है ना,
उसको लागू करने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोलिजन सिस्टम क्या है पत्रकारों, आप अपना सरनेम चेंज करके आप ढाबा चला के दिखाइए। सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उस सिस्टम, अब आप संतुष्ट हुए कि आप संतुष्ट हुए कि पत्रकारिता आप ज्यादा ईमानदारी से हो रही है, पहले मेरे सवाल के नहीं। आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता ज्यादा ईमानदारी के साथ हो रही है, लेकिन विपक्ष के अगर मुद्दों को कोई मीडिया अगर उसे जगह नहीं दे रहा है तो क्या इसमें यह संदेह नहीं जाएगा कि पत्रकारिता सही स्तर पर काम नहीं कर रहा है? इतना विपक्ष का, इतने यूट्यूब, इतने सोशल मीडिया, आप कल्पना कीजिए। आपने कहा कि विपक्ष पत्रकारिता बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, देश का वो मंदिर लोकतंत्र, आपने गलत बोला। मैंने वो नहीं कहा, कांग्रेस के नजरिए से हो सकता है कि मीडिया उनके साथ नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मीडिया हमेशा एक सरकार के साथ रहती है। मेरी लड़ाई जो है, मैं जो मीडिया का आकलन करता हूँ, वो मीडिया इस देश के 90% लोगों के साथ है कि नहीं, वो कभी नहीं रही है। इस देश की मीडिया कांग्रेस के साथ हो सकती है, ममता के साथ हो सकती है, नवीन SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ नहीं रहती है, खासकर SC ST OBC के साथ कभी नहीं रही। अब उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, आप खुद बोले ओबीसी से हैं जी, एक भी ओबीसी का संपादक नहीं हुआ, तब तो आप नहीं कहने, कांग्रेस के दौर में कोई संपादक था क्या ओबीसी का? तो ये परिवर्तन अब धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, अब सोचिए, अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये हंगामा खड़ा किया जा रहा है। आज के डेट में आप चित्रा त्रिपाठी से सवाल पूछ सकते हैं, आप मीडिया से, डिजिटल मीडिया ने सबको बराबर का मौका दिया है, और यही सच्चा मीडिया है, और यही बहुजन मीडिया भी है, और सबसे ईमानदार मीडिया भी। आप जो कह रहे हैं ना मुख्यधारा की मीडिया, वो मुख्यधारा की मीडिया नहीं है, वो एक जाति विशेष की मीडिया है। तो इसका बायकॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, आपको कोई पैसा दीजिएगा, आप किसी को पैसा दे रहे हैं और आपको जहर देगा, तो आप क्या कीजिएगा? हम दुकान खोले हुए हैं और हमसे आप आए हैं चीनी मांगने और आपको जहर दे दें, तो क्या कीजिएगा? हमारा जो मीडिया आपके हक अधिकार के खिलाफ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, आरक्षण के खिलाफ है, उनको SC ST OBC को नहीं देखना चाहिए? एक छोटा सा अगर राजनीति पॉलिटिक्स पर सवाल पूछूं, पूछिए। लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र संसद है, संसद। मंदिर कहाँ कह रहे हैं आप? ठीक है, आप उसे नहीं, आप मंदिर थी, सुनिए, मंदिर कहेंगे तो कल कोई गिरद्वारा कहेगा, कल कोई गिरजाघर कहेगा, ठीक है, संसद भवन माना जाता था, उसे लोग कहा जाता है, शब्द ये कौन कहता है? ठीक है, जब राहुल गांधी की स्पीच को काट दिया गया, सर आपको माइक को जब बंद कर दिया गया। मैं आप पर काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप पर काम हो। ग्रेविटेशनल फोर्स का हिंदी गुरुत्वाकर्षण किसने रखा है? शब्दों का चेंज जो है ना, वो बहुत जरूरी चीज है। वो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको आप मंदिर मस्जिद कहने लगिएगा? मंदिर मस्जिद हमारा संविधान, हमारा आस्था का मसला अलग है, वहां घंटी नहीं बजाना, वहां कानून बनने हैं। लेकिन वहीं पर तो हवन भी कराया गया। मैं तो कह रहा हूँ, ये जिसकी जिसकी संख्या वहाँ भारी होगी, जिस आइडियोलॉजी के लोग होंगे, वो अपना काम करेंगे, ये भी संसद अधिकार देता है। तो कल दिन अगर मान लीजिए वो मुस्लिम की संख्या वहाँ पर ज्यादा हो जाती है, तो संसद भवन के भीतर बैठ करके नमाज पढ़ दिया जाएगा? यही तो संविधान रोकता है ना, संविधान को कौन लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं? संविधान क्या, हम कह रहे हैं ये देश संविधान से चले, और इसलिए हमने आपको कहा कि वो संसद, संविधान के हिसाब से वो संसद है, पार्लियामेंट है, आप उसको मंदिर कह रहे हैं? जब वहां पर म्यूट कर दिया गया, माइक को म्यूट कर दिया गया, तो इस पर आखिर किसी ने कोई सवाल, इस पर क्यों किसी ने, कोई मुख्य धारा की मीडिया ने? अरे तो उनकी जाति की सरकार है, तो वो क्यों सवाल पूछेंगे भाई? जिन्होंने गाय पाला वो दूध खाएंगे ना, जिनकी जाति की सरकार चल रही है वो क्यों पूछेंगे उनसे सवाल? 70 साल से तो इनको कांग्रेस ने पाला था ना, तो कांग्रेस से भी सवाल। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया कांग्रेस की थी, हाँ। आज भाजपा आ गई, आज भाजपा की हो गई, हाँ। तो 70 साल से तो उसी मीडिया को कांग्रेस ने पाला, हाँ, था। तो उनके लिए काम करती थी मीडिया, कब कांग्रेस के खिलाफ हुई है? जब बीजेपी आई है। तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, हाँ। मीडिया को जब लगा कि नहीं, ये वाला दोस्त सबसे ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दे रहा है, ये हमारे लिए मंदिर बनवा रहा है, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ये जाति की लड़ाई, ये जातिवाद को कायम रख रहा है, तो जो इस देश में जातिवाद को आगे बढ़ाएगा, जो इस देश में रिजर्वेशन को कमजोर करेगा, मीडिया उसके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि उनकी जाति को वो सूट करता है। पहले कांग्रेस सूट करती थी, अब बीजेपी सूट करती है। तो देखिए, ये है हमारे साथ शंभू सिंह जी, जो बहुजन की आवाज को उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, SC OBC माइनॉरिटी की बातों को हमेशा
बुलंद आवाज में रखने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में आज उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, आप फुले प्रियार अम्बेडकर को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इस देश में धर्म की लड़ाई मुश्किल से 100 साल की नहीं है। इस देश में असली लड़ाई जाति की है, जाति के नाम पर सारे फैसले होते हैं, शादी ब्याह। आपके घर में शादी क्या देखकर होता है, धर्म देखकर होता है, जाति देखकर होता है, बताइए? नहीं, जाति देखकर के होता है। इस देश में हर काम जब जाति देखकर होता है तो धर्म की लड़ाई कहाँ आ गई? भारत के संविधान ने जाति उन्मूलन किया है, जाति खत्म किया है, धर्म नहीं खत्म किया, धर्म की स्वतंत्रता दी है, आपके धर्म को सुरक्षित किया है कि आप जिस धर्म के मानने वाले हो, 2 लोग हो, 2000 लोग हो, 200 करोड़ हो, आपका धर्म सुरक्षित। तो ये आपके हिसाब से ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ये कब तक खत्म हो जाएगा? ये तो तय होता है कि देखिए ये खत्म तो एक दिन हो जाएगा या कभी नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा का, जब तक शिक्षा, हम भी जब तक शिक्षित नहीं थे, स्कूल कॉलेज नहीं आए, देखिए जातिवाद दो तरह से लड़ा जाता है। जो शोषक जातियाँ हैं वो जितना पढ़ते लिखते जाता है वो उतना महीन जातिवाद करता है जी, और जो पीड़ित जातियाँ हैं वो जब पढ़ते लिखते जाएगा तभी जातिवाद से लड़ पाएगा। इसलिए फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। तो बाबा साहब इसलिए लड़ पाए कि वो पढ़ के आए, पढ़ के आए। तो इसलिए आपको अशिक्षित इसलिए रखा जा रहा ताकि आप अपने शोषण के खिलाफ ना बोल सके। तो जातिवाद में भी अब नया तरीका आ गया, अब गांव गांव में जातिवाद नहीं है जिसको लोग कहते हैं, अब जातिवाद शहर में आ गया है। पावर सेंटर्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, यहाँ जो SC ST OBC के लोग हैं उनको लड़ना पड़ेगा। धर्म की लड़ाई नहीं है ये, धर्म आपका निजी मसला है। कांग्रेस ने शुरुआत की थी इस चीज की कि जहाँ पर मतलब कि अभी कुछ दिन पहले भैवा पर जो है वो जिक्र चल रहा था कि भैवा को जो है वो हटा देना चाहिए, इंटरव्यू देने के लिए जो जाते हैं स्वर्ण समाज के जो, अगर कोई सुने, मैं किसी पार्टी की का प्रवक्ता नहीं हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कोई 50 साल 55 साल राज करे और सब कुछ गड़बड़ हो जाए, उसको कोई 8 साल में गड़बड़ कर दे, इसका मतलब उस 55 साल में प्रॉब्लम, ऐसा तो है नहीं। इस देश में दरअसल बहुजन अभी भी सत्ता से बाहर है, देश की आज़ादी के बाद उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, साइंटिफिक टेम्परामेंट को नहीं बढ़ाया गया जितना होना चाहिए था। बीजेपी, एक बीजेपी का काम बताइए जो कांग्रेस नहीं करती थी, एक काम बताइए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, आप बताइए मुझे एक ऐसा काम जो बीजेपी ने किया हो। सवर्णों को आरक्षण देने का पता है पहला बयान किसकी तरफ से आया था, आप बताइए? नहीं, इस बात की जानकारी नहीं। जनार्दन द्विवेदी 2014 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले कौन लाया? राजीव गांधी जी ने, OBC आरक्षण के खिलाफ 4 घंटे का भाषण है उनका। मतलब आप ये कुल मिलाकर के कहना चाहते हैं जो कांग्रेस छोड़ के गई है उसे जो है आगे बढ़ाने का काम? अरे कांग्रेस तो सरकार चुनी, सरकार बर्खास्त कर देती थी, ये तो फिर भी जोड़ तोड़ करते हैं। देखिए एक पत्रकार, सच्चे पत्रकार की निशानी वही है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बात करें। और शंभू सिंह जैसे हमारी जब बातचीत हो रही है तो इनकी निष्पक्षता पर जो है वो सवाल नहीं उठाया जा सकता है। आप देखिए इस देश में जनता को उन लोगों को चुनना चाहिए जो पढ़ाई लिखाई, दवाई, एजुकेशन, सेना को मजबूत करना चाहते हैं। सेना की सैलरी होनी चाहिए 5 लाख महीना। जो गरीब है, जो SC ST OBC के लोग हैं उनका, आप लालू यादव ने क्या किया? गाय गोबर की राजनीति की है जी। इस देश में बीफ बैन, पहला सबसे पहला बीफ बैन की पॉलिटिक्स पता है आपने किसने शुरू किया? बताइए, नेहरू जी ने शुरू किया था। क्या बात कर रहे हैं साहब, इस देश में दलित पिछड़ा आदिवासी जो है उस वो जब तक सत्ता में नहीं आएगी तब तक इस देश में विकास नहीं होगा। और ये आएगी कैसे? आएगी, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसको बचाना है, वोट के वोट का इस्तेमाल करना है, सरकारी स्कूलें बनानी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि सरकारी संस्थाएं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस बाबा साहब के संविधान की बात आप कर रहे हैं ये बाबा साहब का संविधान आने वाले समय में जीवित रहेगा? क्योंकि बार बार संविधान के साथ छेड़छाड़। नहीं जीवित रहेगा तो इस देश के 90-95% लोगों के हक अधिकार चले जाएंगे, चाहे वो किसी जाति के हो किसी धर्म के। सवर्ण में भी जो गरीब है उनके भी अधिकार चले जाएंगे, उनको भी तो 10% रिजर्वेशन है, लोगों को तय करना है।
संविधान को बचाना है या जलाना है। हाँ, ये देश का संविधान इस देश को मजबूत बनाता है। भारत कब भारत बना? जब संविधान लागू हुआ। नहीं तो हम जातियों में बटे थे, रजवाड़ों में बटे थे, किला में बटे थे। भारत कब भारत बना? भारत दो ही बार भारत बना, जब चंद्रगुप्त मौर्य का भारत, एक बात सम्राट अशोक का भारत काटना चाहेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर ये कहा कि जो राजनीति कांग्रेस कर रही थी वही राजनीति भाजपा भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में कहीं ना कहीं ये राम और रहीम वाली राजनीति कम चल रही है। क्या बात कर रहे हैं साहब, जब हम आपको कह रहे हैं कि बीफ बैन की राजनीति, आप पढ़िए थोड़ा, बीफ बैन कहाँ से आया है? राम मंदिर के ताले कौन खोले? रामायण विज्ञान के बदले रामायण महाभारत को घर घर किसने पहुँचाया टेलीविजन पर? ये इस प्रकार से रोड पर खड़े होकर के जो है वो हनुमान की जो है चालीसा नहीं पढ़ी जाती थी, इस प्रकार से रोड पर खड़े होकर के जो है वो कितने, आप फिर डेट देखिए, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए कांग्रेस के राज में आपको पता है? नहीं, मोदी जी अमित शाह इतने गलत थे तो गुजरात दंगा करवाया तो किसकी सरकार थी केंद्र में? काहे नहीं सजा दे दिए? किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोषी थे उनको सूली पर टांग देते। प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी के ही, तो फिर वो आखिर क्यों नहीं कुछ सोच रहे हैं? अब ये तो प्रधानमंत्री से पूछिए, ओबीसी के हैं। देखिए बीपी सिंह ओबीसी के नहीं थे। इस समाज को ये देखना पड़ेगा, हम जाति के खिलाफ है, जाति दिखवा कौन किसने किया? अर्जुन सिंह ने काम किया, एक वन की सरकार थी, 12-12, 20-20 सीटें आई थी जीत के यूपी से कांग्रेस को। क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद कभी भी जो जिस मुद्दे पर आप सवाल उठा रहे हैं, ओबीसी जो माइनर कम जो एससी एसटी के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, ये लोग जो है कैसे ऊपर उठेंगे और कब तक ऊपर उठेंगे? अब ये तो काम करना पड़ेगा ना, आप भी काम कीजिए सबको। ये अगर ये ऊपर नहीं उठेंगे तो देश नीचे रह जाएगा। इस देश के हर नागरिक जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत। क्या आज देश नीचे? देश, अरे आप देखिए देश की क्या हालत है हमारी। हम जापान से टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, चीन हमसे आगे बढ़ा जा रहा है आर्थिक रूप से, क्योंकि यहाँ के जो जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो सबको काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। बाकी लोग सब्जी बेचें, ठेला चलाएं, जब तक एजुकेशन नहीं आएगा तब तक देश कैसे आगे बढ़ेगा? से हम 150 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की, हमको फ्रांस से राफेल खरीदना पड़ता है। हमें विज्ञान चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। और इस देश के 90-95% लोगों को गरीब, लाचार, अशिक्षित रह के आप देश मजबूत कैसे बना लीजिएगा? जो लोग जातिवाद फैलाते हैं वो देश के गद्दार हैं, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। जो लोग इन गद्दारों के खिलाफ में सरकार भी तो कुछ नहीं कर रही है ना, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही बैठे हुए हैं। इस देश के मेहनत कश लोगों को, किसानों को, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान जातियों को, एससी एसटी ओबीसी को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, बराबर की भागीदारी में भी, तब तक देश मजबूत नहीं बनेगा। आरक्षण के कितने साथ हैं आप? ये माफ करिएगा, ये तो जाति जनगणना हो रही है, इसके क्या आप समर्थन, इसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, जाति जनगणना, आपके घर में 4 भाई है, आपके पिताजी एक 3 भाई का हिस्सा 1 भाई को दे देंगे तो आप क्या कीजिएगा? पंचायत करवाइएगा ना जी, तो वही है जाति जनगणना, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी, जो जिस समाज के लोग हैं सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। आप अपने ही भाई की संपत्ति छीन लीजिएगा तो 5 गांव नहीं दिया था दुर्योधन, तभी तो महाभारत हुआ था। लेकिन संविधान है, बाबा साहब ने कहा है कि हर अधिकार की लड़ाई लड़िए लेकिन संवैधानिक तरीके से, खून बहा कर नहीं, हिंसा करके नहीं, कलम के दम पर, डेमोक्रेटिक तरीके से। कुछ लड़ाई आप लड़े, कुछ लड़ाई हम भी लड़े, तो ये हमारे साथ नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह जी हैं, जिनसे आज हमने दिल्ली में मुलाकात की, और आपकी लड़ाई जो है वो लगातार चलते रहे, यही हमारी शुभकामना है। और आप भी जो है वो कम से कम इस तरह से जो हम लोग को जो इंस्पायर करते हैं, आपके वीडियो वगैरह हम लोग कई बार देखते हैं, बहुत सारे वीडियो को देख करके इंस्पायर होते हैं आपके वीडियो को, और आगे भी इस प्रकार से शायद मुलाकात होंगी तो बातचीत जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।